हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWS इनोवेट डेटा एडिशन के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट में डिस्कस करने वाले कि ये जो AWS का इनोवेट सेशन होने वाला है, यहाँ पर डेटा एडिशन में क्या स्पेशल होने वाला है, क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी, क्या बेनिफिट है आपको, यहाँ पर सर्टिफिकेट किस तरह से मिलेगा, क्या डेट अटेंड करने की है और कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सबको एलिजिबल है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आज कवर होने वाली है और हम देखेंगे पूरा इसका एजेंडा क्या रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सारी डिटेल्स वन बाय वन। सो दोस्तों वो स्टार्ट करते हैं और अभी आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है Amazon AWS की वेबसाइट, जहां पर कि AWS इनोवेट डेटा एडिशन के बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिस्टेड हैं, जिनको मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस AWS इनोवेट के एडिशन की डेट क्या रहने वाली, ये सेशन कब होने वाला है। तो ये सेशन की अगर हम डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 19th of August 2021 को ये इवेंट होने वाला है। अगर मैं आपको टाइमिंग की बात करूं तो मैं आपको टाइमिंग स्क्रॉल करके दिखाता हूं कि इंडिया के लिए टाइमिंग यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो आप स्क्रॉल करके अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से टाइमिंग को देख सकते हैं। अगर इंडिया के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपका टाइम रहने वाला है 4:30 AM से लेकर 10 AM तक। सेकेंड टाइमिंग आपका रहने वाला है 10:30 AM से 4 PM का। आप इनमें से किसी भी सेशन को अटेंड कर सकते हो, सेम ही कंटेंट यहाँ पर रिपीट होने वाला है, बस दो बार अवेलेबल है। आपको जब भी कंफर्टेबल रहे मॉर्निंग का या बाद वाला आप उसको अटेंड कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स रहने वाले हैं, कौन स्पीकर है, क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। सेकेंडली आपको सर्टिफिकेट क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर नॉलेज क्या गेन होने वाली है, पूरा होल सोल इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा इस इवेंट का। तो देखो दोस्तों, अगर हम यहां पर आते हैं तो आपको यहां पर एक टेबल मिलती है जहां पर डिसाइड कर रखा है कि इस पूरे इवेंट का एजेंडा क्या रहने वाला है। एजेंडा की बात करते हैं तो ये इवेंट है, इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। जैसे आप ब्लू यहां पर बार देख रहे हो जहां पर लिखा है डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड लिखा है यहां पर मॉडर्न डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी तरह से यहां पर अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है जिनमें लेवल के हिसाब से जो भी चीजें आपको यहां पर समझाई जाएंगी, जिनके बारे में प्रेजेंटेशन होने वाला है वो किस लेवल से रहेगा। तो यहां पर हर चीज के नीचे जो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, यहां पर आपको लेवल 100, लेवल 200, लेवल 300 लिखा दिख रहा होगा। लेवल 100 का मतलब है कि इंट्रोडक्शन लेवल वाला कंटेंट आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जाएगा। 200 का मतलब है आपको यहां पर इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में मिलने वाली है। थर्ड चीज आती है लेवल 300, जहां पर कि आपको एडवांस वाला पढ़ाया जाएगा या फिर एडवांस नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मिलने वाली है। सो दोस्तों, जैसे भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है, उस तरह का सेशन यहां पर आप अटेंड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो कितने सेशंस अवेलेबल हैं, तो आप यहां पर स्टार्टिंग में देख सकते हो कि यहां पर 50 से ज्यादा सेशंस अवेलेबल हैं और आपको इन सेशंस में क्या क्या कराया जाएगा। सबसे पहले आस्क द एक्सपर्ट्स, आपको यहां पर Q&A रहने वाला है। सेकंड चीज, हैंड्स ऑन लैब्स पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। थर्ड चीज आती है कस्टमर केस स्टडीज, जो Amazon के AWS के कस्टमर्स हैं उन्होंने डेटा एडिशन, डेटा से रिलेटेड जितनी भी उनकी केस स्टडीज होने वाली है उनके ऊपर आपको उनका रियल एग्जाम्पल बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे वो चीज प्रॉब्लम अराइज हुई और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन यहां पर निकला गया। थर्ड के बाद आती है फोर्थ चीज जो आएगी आपकी सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस। सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं, उसका प्रूफ भी दिखाता हूं। सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस का लिए आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहली चीज आपको यहां पर कंप्लीट करने हैं 5 सेशन, सिर्फ 5 लाइव सेशन को आपको देखना है। यहां पर क्लियरली मेंशन है कंप्लीट वॉचिंग 5 or more sessions ऑन लाइव डे, जिस दिन ये इवेंट होने वाला है उस दिन आपको 5 या 5 से ज्यादा अगर आपने सेशन देख लिए तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट 31 अगस्त तक आपको मेल कर दिया जाएगा। और मेल आईडी कौन सी रहने वाली है, जिस मेल आईडी के थ्रू आप इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए रजिस्टर करवाने वाले हो। अब कुछ और एडिशनल बात बता दूं कि इस इवेंट में रजिस्टर करने के लिए, इस इवेंट को अटेंड करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सर्टिफिकेट आपको 31 अगस्त तक यहां पर दे दिया जाएगा। और अगर आपको एक और कंफर्मेशन चाहिए कि यार मैंने रजिस्टर तो कर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया, तो यहां पर देखो सेकेंड लास्ट क्वेरी में लिखा है कि आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन ईमेल आने वाला है उसी ईमेल आईडी पर जो कि आप देने वाले हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये सारी हैं कुछ बातें इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। तो आपको अगर डेटा में इंटरेस्ट है, और यहां पर आपको एक होल सोल चीज बताता हूं कि इस इवेंट में होने के वाला है, इस इवेंट में जो डेटा है
आजकल सारी टेक्नोलॉजी, सारे काम डेटा ड्रिवन चल रहे हैं। डेटा ड्रिवन से मतलब है कि आप एक कंपनी के मालिक हो, आपको इतना डेटा मिला आपके कस्टमर्स के बारे में, उसके हिसाब से आप बेटर डिसीजन लोगे कि आपके कस्टमर्स की क्या बेटर रिक्वायरमेंट है जिनको आप आसानी से फुलफिल कर पाओ। तो ये एजेंडा रहने वाला है इस इवेंट का, जहां पर यहां पर बोला गया डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको समझाया जाएगा कि कैसे आप अपने डेटा की मदद से एक बेटर डिसीजन ले सकते हो, साथ ही में उस डिसीजन के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई है या फिर मशीन लर्निंग एमएल का यूज करके अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाओ। तो ये होल सोल एजेंडा रहने वाला है इस पर्टिकुलर इवेंट का। अगर हम बात करें कि आपको रजिस्टर किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर बटन अवेलेबल है, आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हो रजिस्टर नाउ पर। एंड यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस तरह की एक विंडो विजिबल रहेगी कि जहां पर AWS इनोवेट का पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इसको बहुत ही आसानी से फिल कर देना है, अपनी ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है और नीचे रजिस्टर के बटन को क्लिक करना है और कॉन्फर्मेशन ईमेल आपके मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। और ये है पूरा प्रोसेस। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी इशू रहता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको इंटरेस्ट है AWS सीखने में, अगर आप बिगिनर हो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप इस इवेंट में रजिस्टर करवा सकते हो। काफी बढ़िया आपको यहाँ पर डेटा एडिशन के रिगार्डिंग नॉलेज गेन होने वाली है, तो मिस मत करना, तो आप रजिस्टर जरूर करवा लेना। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।